नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश मालविया यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है, मैं अभिनंदन करता हूँ। देखिए मित्रों, आज हम बात करेंगे रीट के बारे में। रीट परीक्षा 2021 को रद्द कर दिया गया है पेपर लीक होने के कारण। अब फिर से तैयारी में जुड़ने के लिए साथ जो नए विद्यार्थी वो और पुराने विद्यार्थी कौन सी किताबें पढ़े, अच्छे से अच्छा नंबर लिया है, यानी इस बार तो आपको केवल नौकरी नहीं केवल पास करना है, 90 नंबर ही लाना है, लेकिन फिर भी अच्छा परफॉर्मेंस किस प्रकार से करें, कौन सी किताबें पढ़े, उनके बारे में आज डिटेल लेके आया हूँ मैं सिलेबस संबंधित। देखिए मित्रों, सबसे पहले बात करते हैं रीट 2022 जो वैकेंसी अब निकलने वाली है और जुलाई में परीक्षा संभावित है उसके बारे में हम देखेंगे। रीट 2022 इसमें कुल 150 अंक होंगे और उनमें से समय होगा 2 घंटे और 30 मिनट का। अब क्या क्या पढ़े, किससे पढ़े, किस अध्यापक की कौन सी किताब पढ़े, कौन सा ऐप ले, कुछ भी ले, उसके बारे में आपको डिटेल से बताने वाला हूँ मैं। देखिए मित्रों, मनोविज्ञान बालिका से शिक्षा शास्त्र जो है वो सबसे बेस्ट जो है वो फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन की बुक्स आती है, थ्योरी की भी आती है और ऑब्जेक्टिव भी आती है। पहले आप थ्योरी की बुक्स पढ़िए बीएल रेवाड़ सर की और उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव से प्रैक्टिस करिए, जिसके माध्यम से आप पूरे 30 में से 30 जो 30 अंक होते हैं पूरे में से 30 नंबर आप ला सकते हैं। अगर आपको इसके अलावा और भी विकल्प चाहिए तो अवनी मनोविज्ञान की भी आती है धीर सिंह देवाई सर की, जो अवनी पब्लिकेशन की आती है साहब, उसको पढ़िए। दोनों में से इकट्ठी मत कीजिए, 10 किताबें इकट्ठी मत कीजिए, या तो बीएल रेवाड़ सर को पढ़िए। मेरे हिसाब से माने तो सबसे बेस्ट टीचर है राजस्थान के बीएल रेवाड़ सर, फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन के। और अगर आपको धीर सिंह धवाई की अच्छी अवनी मनोविज्ञान की अच्छी बुक्स लगती है तो उसको पढ़िए, लेकिन दोनों इकट्ठी मत कीजिए। आप बुक स्टोर पर जाइए, दोनों किताबों को देखिए, जो आपको अच्छी लगे उसको एक को पढ़िए और बार बार पढ़िए, आपके 30 में से 30 पूरे नंबर आप ला सकते हो। मेरा एक्सपीरियंस है इसमें, यानी मैंने खुद ने पढ़ा हुआ है और एक ही किताब पढ़ी है तो एक ही किताब पढ़ के अच्छे नंबर लाया हुआ हूँ मैं खुद ही, तो आप खुद भी ला सकते हो। उसके बाद बात करते हैं हम हिंदी की। हिंदी में RBSC की बुक्स पहले चलती थी, अभी NCERT गवर्नमेंट ने लागू कर दिया गया है। 9 से 12 तक की जो हिंदी व्याकरण की जो किताब चलती है, जिसमें व्याकरण से संबंधित 15 प्रश्न आएंगे और 15 प्रश्न आएंगे शिक्षण विधि के, कुल मिला के 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप व्याकरण कंप्लीट करनी है तो 9 से 12 कक्षा की जो हिंदी व्याकरण की जो बुक्स चलती है उसको लाइए, उसको पढ़िए। व्याकरण के लिए सबसे बेस्ट बुक्स उसमें से एज इट इज़, यानी ऐसे कैसे प्रश्न उठाए जाते हैं। और आपको शिक्षण विधि की या अलग से हिंदी व्याकरण की अलग से किताब चाहिए तो आप सरल हिंदी व्याकरण नाम से मनोज मिश्रा सर की आती है उसको पढ़िए। अगर वो नहीं पढ़ सकते आप तो हिंदी व्याकरण माला नाम से KR मैया सर व प्रियंका चौधरी मैडम की मैम की आती है बुक्स, उसको पढ़िए। उसमें हिंदी शिक्षण विधिया और व्याकरण सहित सब कुछ दे रखा है। अगर उसके अलावा भी आपको और भी अलग से चाहिए तो हिंदी के लिए सुमनलता यादव मैडम की जो बुक्स आती है उसको पढ़िए। इसके अलावा और भी अगर बात करें हम तो हिंदी के राघव प्रकाश सर की, तो इनमें से हिंदी के जो 15 प्रश्न पूछे जाएंगे वो व्याकरण के होंगे और 15 प्रश्न जो होंगे वो शिक्षण विधि के होंगे। यानी ये सब सारी किताबें आपको इसलिए बताइए कि ये राजस्थान के बेस्ट टीचर से इनमें से किसी एक को सेलेक्ट करिए और एक की किताब लाइए, या तो मनोज मिश्रा को ही पढ़िए, या KR मैया सर को पढ़िए, या सुमनलता यादव मैम को पढ़िए, या राघव प्रकाश सर को, केवल किसी एक को पढ़िए। एक की किताब को 10 बार पढ़िए, 10 किताबें इकट्ठे करने से कुछ नहीं। ये मैंने डिटेल से इसलिए बताया आपको कि आपको जो किताब अच्छी लगे, यानी किसी की भाषा सरल होती है, किसी की कठिन होती है, हर किसी के समझ के बाहर होती है, तो अपने अपनी चॉइस अपने अपनी पसंद के हिसाब से आप इनमें से सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद बात करते हैं हम संस्कृत की। संस्कृत में भी यही होता है, संस्कृत में 15 नंबर की व्याकरण आती है और 15 नंबर के शिक्षण विधियाँ पूछी जाती है। संस्कृत में सबसे बेस्ट है संस्कृत सरस्वती नाम से जो किताब आती है राम कुमार जाट सर की, उसको पढ़िए। अगर आपको इससे बेटर और भी किताबें चाहिए तो साफल्यम नाम से लोकेश कुमार शर्मा की आती है, और संस्कृत समृद्धि करके किरण चौधरी मैम की किताब भी आती है, और इसके अलावा एक और संस्कृत की आती है KR मैया सर व प्रियंका चौधरी मैम की। इन चारों में से भी आप कोई भी एक किताब को पढ़िए, उस किताब को 10 बार पढ़िए। संस्कृत की अगर राम कुमार जाट को पढ़ना है तो उनको भी पढ़िए, लोकेश कुमार शर्मा की साफल्यम पढ़नी है तो वही पढ़िए, या संस्कृत समृद्धि किरण चौधरी मैम की पढ़नी है तो वही पढ़िए, या फिर आपको KR मैया सर या प्रियंका चौधरी मैम की संस्कृत पढ़नी है तो वही पढ़िए। कोई भी एक किताब खरीद लीजिए इनमें से, बुक स्टोर पर जाइए और कोई भी 10 किताब इकट्ठे मत कीजिए, केवल एक ही किताब पढ़िए। उसके बाद बात करते हैं हम सामाजिक अध्ययन की, यानी SST की। SST में RBSC पहले लागू था, इस बार से NCERT लागू है, तो NCERT की 6 से 10 तक की किताबें उठा लीजिए, उनको पढ़ डालिए 2 से 3 बार 4 बार 5 बार, जब तक आप 2-3 बार पढ़िए उसको। उसके बाद 2-3 बार पढ़ने के बाद कम से कम 2 बार पढ़िए, उसके बाद आप नोट्स बनाइए, उस नोट्स को पढ़िए, उसके बाद फिर आप
दो से तीन बार उन नोट्स को पढ़िए, नोट्स दो बार पढ़ने के बाद शॉर्ट नोट्स बनाइए। यानी इसमें भी आप देखोगे शिक्षण विद्या पूछी जाती है तो 50 नंबर की जो जो एसएसटी के प्रश्न पूछे जाते हैं और 10 नंबर की शिक्षण विद्या आती है। इसमें कुछ प्रश्न कंप्यूटर के भी आते हैं, तो उसको भी देखने के लिए आपको एक गाइड, सब ये कुछ सब कुछ पढ़िए। उसके बाद 6 से 10 तक की किताबें पढ़ लीजिए। उसके बाद राजस्थान अध्ययन चलती है कक्षा, हमारा राजस्थान करके कक्षा 6 से 10 तक, उसकी राजस्थान अध्ययन की बुक्स पढ़िए। उससे आपका राजस्थान जीके कंप्लीट हो जाएगा। यानी 6 से लगाकर 10 तक की जो किताबें चलती है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के पास अधिक अधिक से अधिक पहुँचाएं, जिससे मैं आपको नई जानकारी लेके आ सकूँ। और मेरा विचार हो रहा है कि समय भी है मेरे पास अभी, तो मैं SST की तैयारी आपको नोट्स के रूप में करवाऊँ, जिसमें एज इट इज़ लाइन टू लाइन प्रश्न उठे, क्योंकि मुझे पता है कि प्रश्न कहाँ से उठेंगे रीड में और SST में कहाँ से उठेंगे। तो SST आपके पूरी कंप्लीट करवा सकता हूँ बहुत ही कम समय में। अगर आप चाहो तो कमेंट जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।